जंस्कर रोड पर आज से वन वे ट्रैफिक। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल शहर को सुदूर जंस्कर उपखंड से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण हाईवे को 28 नवंबर यानी आज से कारगिल की ओर से एक तरफा वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा और जंस्कर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को पेंजिला दर्रे को पार करने और साथ ही 29 नवंबर को कारगिल की ओर से जाने की अनुमति दी जाएगी। और कारगिल काउंसिल फुसोंग ताशी में जंस्कर मामलों के कार्यकारी पार्षद ने ये खुलासा किया है, जिन्होंने पेंजिला दर्रे के बेस का दौरा किया और कारगिल जंस्कर मार्ग पर चल रहे बर्फ निकासी अभियानों का जायजा भी लिया। स्नो क्लियरेंस टीम ने बताया कि वर्तमान में जंस्कर और कारगिल के किनारों से पूरी रास्ते से बर्फ निकासी अभियान चलाया जा रहा है और बुधवार की शाम तक ये रास्ता साफ भी हो गया है। और कुछ दिन पहले ही क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग को बंद कर दिया गया था। इस बीच ताशी ने संबंधित एजेंसियों को पेंजिला दर्रे और अन्य मुख्य स्थानों के पास पूरी तत्परता और मशीनरी रखने का निर्देश दिया था और साथ ताकि राजमार्ग पर यातायात सुचारू रूप से सुनिश्चित